सेव नेशन जो हमारा जो ग्रुप बना हुआ है वो हमारा बनाने का पर्पज लास्ट 3 महीने में बना हुआ है और उसमें हमारी सिर्फ यही याचिका है कि कम से कम 50-50% सीट्स जो है वो मेरिट के लिए रहनी चाहिए जो आज की तारीख में नहीं हो रही है। काफ़ी साल तक वो चल रहा था कि 50% तक ही सीमित था लेकिन अब अचानक जैसे एक बांध टूट चुका है और वो ऑलमोस्ट 75% के ऊपर चला गया है। तो उसमें सिर्फ हमारी पीढ़ी नहीं अगली पीढ़ी भी उसमें अफेक्ट हो रही है और सभी लोग इसमें पीस रहे हैं। फिर आगे की इस पीढ़ी को आगे की पीढ़ी को देश छोड़ के जाने के सिवा कोई उनको कोई उपाय नहीं दिख रहा है। तो इसलिए हमने शांतिपूर्वक ये हमने जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ऑल ओवर महाराष्ट्र वो लास्ट 3 महीने से हमने छोटे छोटे 10-12-5-6 लोगों से चालू की थी। आज हमारे रैलीस में 50,000 लोगों तक ये लोग आते हैं। तो हमारी यही मांग है कि 50% की जो सीट है 50% सीट्स वो मेरिट के लिए रखे जाए। हमको बाकी किसी से कोई ये नहीं है, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है किसी को 50% सीट्स अगर मिलती है तो। इसके अलावा और क्या मांगे हैं, मतलब 50% जो आप बोल रहे हैं कि जो मेरिट के आधार पर मिले, इसके अलावा और जो भी मांगे उसके बारे में बताइए क्या कहना चाहेंगे। सेव मेरिट सेव नेशन, इसमें हम मेरिट के लिए हम चाहते हैं कि आज जो इंडिया रिजर्व्ड इंडिया है इसको हम डिजर्व्ड इंडिया बनाना चाहते हैं। हमारी नेशन एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में हम देखना चाहते हैं। एफर्मेटिव एक्शन जो आप गरीबों के लिए कर रहे हैं वो गरीबों तक पहुंचनी चाहिए लेकिन जो आज की तारीख में वो गरीबों तक नहीं पहुंची जा रही है। पीढ़ियां दर पीढ़ियां वही फैमिलीज रिच होवे जा रहे हैं लेकिन जो जिनके लिए ये बनाया गया था उन तक वो पहुंच नहीं पा रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट से ये थी कि आप हर 5 साल में इसके ऊपर एक टाइमलाइन डिफाइन करो, इसके ऊपर स्टैटिस्टिक डिफाइन करो कि आपने अगर अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ मेजर लिए है तो कितने लोग उसमें अपलिफ्ट हो गए हैं और इससे कुछ फायदा हुआ है कि नहीं। पिछले 70 सालों में अगर किसी चीज से आपका अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ है, जैसे 70 साल पहले आपने चालू किया था अबाउट 22% से, उसके बाद में 50% पे आए, आज 75% हो रहा है, मतलब ये रिजर्वेशन की पॉलिसी आपकी फेल हो रही है। जो चीज फेल हो रही है उसी को आप आगे क्यों बढ़ा रहे हो, मतलब सोल्यूशन कहीं और है लेकिन आप कर रहे हैं किसी के ऊपर जाति। तो ये जाति बंद हो जाए और जो गरीबों तक पहुंचाने की स्कीम्स है वो गरीबों तक पहुंचे ना कि अमीर उसके लिए। तो हमारी लड़ाई मेरिट के साथ में गरीबों को भी ऊपर उठाने के लिए है। सर मोदी गवर्नमेंट तो हर फोरफ्रंट पर सक्सेसफुल हुई, तो इसमें क्या कमजोरी नजर आ रही है आपको और क्या कहना चाहेंगे कि इनकी जो पॉलिसीज है रिजर्वेशन को लेकर कितनी ज्यादा आपको इम्प्रैक्टिकल नजर आ रही है? देखिए ऐसा है, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए पूरे देश ने उनको सपोर्ट भी किया था, लेकिन एक पर्टिकुलर मुद्दा है जिसको कोई भी राजनीतिक पार्टी हाथ लगाने से डरती है। यहाँ तक कि आपने 2 दिन पहले भागवत जी का स्टेटमेंट सुना, एक अकाल आदमी है जो समय समय रहते बयान देते हैं कि कहीं से तो शुरुआत करो, क्योंकि उनको पता है कि ये समाज के लिए ठीक नहीं है, एक बढ़ते हुए देश के लिए डेवलप्ड कंट्री के नाम पे ये ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही वो बोलते हैं हमारे यहाँ पे लोग उनको दबा डालते हैं। 370 में ही ऐसा करते थे लेकिन मोदी जी ने हिम्मत दिखाई, हम चाहते हैं मोदी जी इसमें भी हिम्मत दिखाएं। हमारी मांग कोई जायज़ नहीं है, ऐसा नहीं है। 10% 10 सालों के लिए अस्थायी व्यवस्था की गई थी संविधान में अम्बेडकर जी द्वारा, ठीक है। आज 70 साल में वो बढ़ के 70% हो गई, जो पिछड़े थे वो पिछड़े के पीछे ही रह गए, कोई ऊपर नहीं आया और यहाँ होड़ लग गई है सब और पिछड़े होने की। आप देखो कितने समाज और पिछले 70 सालों में आंदोलन कर रहे हैं कि हमको पिछड़ों में डालो, ये खाली अपना ही देश है यहाँ पे जहाँ पे पिछड़ा होने का आंदोलन होता है। अब हम लोगों ने डिसाइड किया है क्योंकि सेव मेरिट सेव नेशन एक तरह का आंदोलन है, एक तरह का मूवमेंट है जहाँ लोग अपने आप से जुड़ते जा रहे हैं। ये वो वंचित लोग नहीं है, ये वो लोग भी हैं जो समझते हैं कि ये गलत हो रहा है देश के साथ में। यहाँ पे मेधावी छात्रों के लिए या जो आप डिजर्व करते हैं नौकरियों में आप सब पीछे हटते जा रहे हैं, कल क्या होगा आपने कभी सोचा है? आज के 10-20 सालों के बाद में कोई भी जो मेधावी लोग हैं वो यहाँ देश में रहेंगे ही नहीं, उनका पलायन हो चुका होगा या वो एकदम निरस्त हो चुके होंगे। इसको कहीं तो रोकना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर कोई मर्द 70 साल में ठीक नहीं हुआ तो या तो वो दवा गलत है या वो बीमारी का डायग्नोसिस गलत है, उसको समीक्षा तो होनी चाहिए। समीक्षा कहाँ होती है? उसको वोट बैंक पॉलिटिक्स के नाते उसको बढ़ाया जाता है। एक बार समीक्षा हो जाए कि जिसको डिजर्विंग था उसको मिला क्या नहीं मिला, और उन्हीं में से लोग जो एक ही जनरेशन के बाद में जज हो गए, कलेक्टर हो गए, मंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए,
सब आरक्षण लेते ही जा रहे हैं और उसके बाद में उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां आरक्षण लेते जा रही है, तो ऊपर कब आएंगे वो? किसको ऊपर बोलेंगे? डॉक्टर्स हैं बड़े बड़े नर्सिंग होम में, इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े साइट्स चलते हैं उनके, फिर भी वो आरक्षित वर्ग में है। और ठीक है आप रखो आरक्षित वर्ग, लेकिन ये 50% जो है मेरिट वालों का उनको हाथ मत लगाओ भाई, मेरिट वालों को भी तो कुछ छोड़ो। आरक्षण लेने के लिए जो आय प्रमाण पत्र गलत तरीके से मांगते हैं उसके बारे में आपने मेंशन किया है कि वही मुद्दा है कि उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो दिखाते हैं कि उनका आय कम है लेकिन फाइनेंशियली वो स्ट्रांग रहते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी यहाँ पे कई सारे ऐसे प्रूफ मिले हैं स्टडी करने पे कि लोगों ने गलत प्रमाण पत्र बनाए हैं। कई लोग जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी एडमिशन लेते हैं जहाँ 8 लाख के ऊपर की फीस है, लेकिन वो बैकवर्ड ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड की सर्टिफिकेट ला के दे रहे हैं जो 8 लाख से कम की आय बताते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इन लोगों के सर्टिफिकेट्स की जाँच होनी चाहिए? राइट। आप जब आप पॉलिटिक्स के अंदर नगर सेवक का इलेक्शन लड़ते हैं, एमएलए का इलेक्शन लड़ते हैं, कई बार हमको सर्टिफिकेट्स गलत पाई जाती है, तो क्या इसमें सर्टिफिकेट गलत नहीं हो सकती? तो क्यों ना उनकी जांच हो जाए, मेरे को बताइए। मैम समथिंग ऑन, और एक इंडिविजुअल को एक बार ही आरक्षण दिया जाए, इसका भी मुद्दा उठा रहे हैं कि वन इंडिविजुअल शुड गिवन द रिजर्वेशन वन टाइम ओनली। वैसा ही होना चाहिए, खास करके जब आप अगर एक स्टूडेंट अगर अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए अगर वो आरक्षण का इस्तेमाल करता है, उसका बेनिफिट लेके सीट को ऑक्यूपाई करता है, तो जब उसका 5 साल जो भी फील्ड में हो, 4 से 5.5 साल का जब उसका कोर्स हो जाता है, जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन फील्ड में आ जाता है, तो उसको वैसे भी जैसे कि हम मेडिकल फील्ड में अगर देखा जाए तो उसको स्टाइपेंड भी मिलती है, तो वो कमा भी रहा है, तो अगर उस वो पोजिशन पर वो पहुँच चुका है तो उसको सेकेंड टाइम आरक्षण की ज़रूरत क्या है? हर एक इंसान को अगर बेनिफिट लेना है तो ज़िंदगी में एक टाइम उनको अलाउ करिए, उनको ऊपर ले आइए। एक बार वो ऊपर आ गए हैं, वापस आप उनको कब तक ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे आरक्षण दे देते बार बार? जो प्रायोरिटी होती है वो मत किस बेसिस पे होना चाहिए, कास्ट, कम्युनिटी, जेंडर या फाइनेंशियल स्टेटस? हमारे हिसाब से तो प्रायोरिटी होना चाहिए कि जिस तक आरक्षण की बेनिफिट मिलती नहीं है, जो जिनके पास आय नहीं है, जिनके पास जिनकी कमाई नहीं है कि वो खुद के बल पर पढ़ भी सके, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर सके, या तो कोई नामी कॉलेज को ज्वाइन कर सके, जो बच्चा साइकिल से ट्रैवल कर करके दूर दूर तक पहुंच नहीं सकता एजुकेट करने को खुद को, उनको बेनिफिट दीजिए, उनको आप सब्सिडीज दीजिए, उनको आप स्कॉलरशिप दीजिए, जो भी आप सुविधा दे सकते हैं वो उनको दीजिए, उनको ऊपर लाइए, तब कहा जाएगा कि देश ऊपर आ चुका है। ये बार बार उन्हीं लोगों को बार बार आप आरक्षण दे रहे हैं, वो उसी पोजीशन पे ऑक्यूपाई कर करके बरसों तक वही पोजीशन छोड़ते नहीं हैं, अपने ही लोगों को वो ऊपर आने नहीं दे रहे हैं। आप कहीं भी जाओ ये गारंटी के साथ होता है कि उन्हीं के लोगों के बीच में भी आपसी मतभेद है, क्योंकि वो आपस में जो पिछड़ा है वो ऊपर आ ही नहीं रहा, ना तो उसको प्रमोशन मिलता है, ना तो उसको जॉब की बेनिफिट मिलती है कि क्या वो अपने फैमिली को ऊपर बेटर से सपोर्ट कर सके, जो ऊपर है वो वहीं का वहीं रहता है, वो अपनी सीट नहीं छोड़ता है। तो वैसे लोगों को बेनिफिट दीजिए जिनको ऊपर आके वो देश के लिए कुछ कर सके, ना कि वो कि जो वो पोजीशन पे बैठे बैठे बस अपने पोजीशन का हक को इस्तेमाल कर ले। मतलब आप पेपर्स में देखते होंगे या न्यूज़ में आईएएस जैसे एग्जामिनेशंस में जो मतलब अच्छे नंबर आते हैं हायर कम्युनिटी के लोग, फ्रैक्शंस ऑफ नंबर्स के लिए मतलब नहीं कम्पीट कर सकते, उसके बारे में कितनी दुखी बात है। ये दूसरी बात तो है क्योंकि जो इंसान इतनी मेहनत कर रहा है, अब हम हमेशा से बच्चों को ये बोलते आते हैं कि भाई तुम अच्छा पढ़ोगे, अच्छे मार्क्स लाओगे तो तुम्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जो 4000 जिसको रैंक मिला है उसे तो सीट मिलती नहीं है और 30,000 वाले को सीट मिल जाती है, तो ये आप नॉलेज का गैप भी तो देखिए, आप कैसे जनरेशन अपना कैसे प्रतिभा को प्रमोट कर रहे हैं, आप एक को जस्टिस देने के लिए दूसरे के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, सो दैट इज रॉन्ग। आपको एक ऐसा सोल्यूशन लाना होगा जिससे आप जस्टिस भी कर सके और किसी और के साथ इनजस्टिस भी ना हो। अभी हम मोदी जी को करीब 5-5.5 महीने से हर उस पर टैग कर रहे हैं, चाहे वो ट्विटर हो चाहे फेसबुक हो, इनफैक्ट उनके जो नैमो ऐप है उस पर भी हमने डाला है कितनी बार, हम कहते एक बार तो वो हमारी बात सुने, हम लोगों से मिले, शायद हमारे उससे अच्छा सोल्यूशन आ जाए बाहर जिससे वो गरीबों की भी मदद कर सके और मेरिट को भी नुकसान ना हो। बस इतना चाहते हैं हम कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एक बार तो हमारी बात सुन लें, एक बार बुलाएं लोगों को और डिस्कशन करें। सीधी सी बात है, इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी अभी महाराष्ट्र में एक्सेस रिजर्वेशन हुआ है, ये एक्चुअली हम सभी लोग कहते आ रहे हैं कि ये 50% से ऊपर ना हो। जिस किसी को भी आरक्षण देना है वेलकम दीजिए, लेकिन वो 50% तक सीमित हो, उसके ऊपर अगर आरक्षण जाता है तो इसका मतलब ये है कि प्रतिभा का हनन होता है।
और अगर प्रतिभा का हनन होता है तो हमारा ओवरऑल आउटपुट जो है वो भी क्वालिटी वाइज लो रहेगा। तो कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेस या कोई भी प्रोफेशनलिज्म हो उसके अंदर अगर क्वालिटी नहीं होगी तो एंटायर सोसाइटी विल सफर, और जब पूरी सोसाइटी सफर होगी तो पूरा देश सफर होगा। तो यही कहना चाहूँगा कि 50% तक से मैम समथिंग बोलना चाहूँगी। मैं केवल तीन बातें कहना चाहूँगी। एक तो सभी ने कहा कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक जो फ्रॉड गलत सर्टिफिकेट या गलत आय सर्टिफिकेट बना के सीट ले लेते हैं उन पे एक्शन होना चाहिए, और पॉलिसी ऐसी कुछ बननी चाहिए कि गलत सर्टिफिकेट बनी ना पाए। और इसके अलावा जो आरक्षण जिनको भी मिल रहा है उनको जो रियल डिजर्विंग कैंडिडेट है, जैसे मेरी मेड है एससी है, वो हमेशा बोलती है कि हमारी जात को आरक्षण मिलता है लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे लिए वो इतना यूज़फुल है कि हमको स्कूल की फीस में माफ़ हो जाती है और स्कूल से यूनिफॉर्म और बुक्स मिल जाती हैं। इसके अलावा नौकरी में आप लोग जैसे पढ़े लिखे लोगों के बच्चे आ जाते हैं और वो जितना भी हमारा जात को कोटा अलॉटेड है वो ले जाते हैं। तो वो इवन उनके समाज में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि ये आरक्षण हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो ये बात मोदी जी के तक पहुंचना चाहिए कि उनका जो आरक्षण देने का सिस्टम है उसमें बेसिक फॉल्ट है और उसको वो किसी तरह से सुधार।